दोस्तों, आपने इस तरह से छतों से पानी गिरती हुए अक्सर देखा होगा, जो कि बारिश में देखने को मिलता है। उसके बाद ये पानी जो वेस्ट हो रहा है, या फिर ये पानी जो वेस्ट हो रहा है, ये पानी बिल्कुल साफ है, बारिश का पानी है, और ये जो पानी है इसको स्टोर किया जा सकता है, हमें हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों ज़रूरतों के लिए उपयोग किया जा सकता है, और जिससे हमारी पानी की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। हम जो पानी के लिए रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, वो पानी की समस्या यहाँ पे सॉल्व हो सकती है अगर बारिश का मौसम है तो। बारिश के मौसम में कितने लाखों लीटर पानी हम लोग सेव कर सकते हैं, भर सकते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं जब तक बारिश है, और इस पानी की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो प्रॉब्लम हमेशा हर जगह होती है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास होता है। अब ये देखिए कि छोटा सा बच्चा जो नहा रहा है, अब इसकी नहाने की ज़रूरत पूरी हो जाती है। अक्सर हमारे पास, हमारे घर में जब पानी नहीं आता, सप्लाई का पानी नहीं आता, तो हमारे लिए नहाने तक की भी नौबत आ जाती है कि नहाने के लिए पानी अवेलेबल नहीं होता। और इस तरीके से देखिए कितने अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से, भरपूर तरीके से ये नहाया जा रहा है। तो इस तरीके की परिस्थितियों में आप अपने आप को किस तरीके से तैयार करते हैं, किस तरीके से रिसोर्सेज संसाधनों का उपयोग करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और अगर आपके पास दिमाग है और दिमाग का सही उपयोग करें और बुद्धिमत्ता से काम लगें, बुद्धिमानी से नहीं बुद्धिमत्ता से काम लें, क्योंकि बुद्धिमानी और बुद्धिमत्ता में अंतर होता है। वो अंतर आप ढूंढने की कोशिश कीजिए कि क्या होता है। तो ये बुद्धिमत्ता का सवाल है कि अगर हम अपनी बुद्धिमत्ता का सही तरह से उपयोग करें तो हम इन सब चीज़ों से निजात पा सकते हैं, इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान और निजात पा सकते हैं। तो ये हम पे निर्भर करता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को, सिर्फ प्रॉब्लम को देखते हैं या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सॉल्यूशन ढूंढना हमारे ऊपर है, प्रॉब्लम तो आती ही रहेंगी, लेकिन प्रॉब्लम से किस तरीके से जो निजात पा सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब ये देखिए कि बारिश का पानी जब इन बारिश के दिनों में भर जाता है तो किस तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है। और ये हम हर जगह कंक्रीट, हर जगह पक्के मकान, पक्की गलियां, पक्की सड़कें, जब हर चीज़ पक्की ही चाहेंगे तो ये समस्या हमारे पास होगी कि पानी लगेगा, पानी भरेगा गलियों में और उससे हमें प्रॉब्लम होगी। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम अपनी ही बनाई गई समस्या में खुद ही उलझते हैं और समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं करते, परेशान रहते हैं, दूसरे को ब्लेम करते हैं, और हमेशा पूरी ज़िंदगी इसी तरीके से हम बिताते हैं। अभी एक छोटा सा बच्चा पानी भरने की कोशिश कर रहा है, बाल्टी में पानी डाल रहा है। अब इस पानी का जो भी उपयोग करें, ये देखिए कितने कम समय में ये बाल्टी की पानी भर गई, पानी ही बाल्टी भर गई। मैं इतना उत्सुक हो जाता हूँ ये सब चीज़ें बनाने के लिए, बताने के लिए, उसमें कई बार शब्दों का थोड़ा सा ख्याल नहीं रहता कि आगे पीछे हो जाते हैं। बट आप मेरी भावनाओं को समझे कि मेरी भावनाएं क्या हैं, इंटेंशन क्या है, और किस तरीके से मैं चाहता हूं कि इन चीज़ों का, इन संसाधनों का उपयोग किया जाए और अपनी लाइफ को बेहतर किया जाए। तो ये देखिए, ये पूरी, कल पानी से भी ज़्यादा था, आज तो पानी बहुत कम है, लेकिन फिर भी कल मैंने जो वीडियो बनाया था आप उसको देखिए कि किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं अपनी गलतियों, अपनी परेशानियों की वजह से। पक्की गलियां, पक्की सड़कें, पक्के मकान, हर चीज़ पक्का करने के बाद वो पानी कहाँ जाएगा? पानी कहीं ज़मीन में जाएगा ही नहीं, वो ऊपर ही ऊपर रहेगा और उससे ब्लॉकेज होगी, पानी गलियों में लगेगा और हर जगह पानी पानी ही दिखेगा। पहले कच्चे मकान, कच्चे सड़कें, कच्चे गलियां होती थी, तो पानी बारिश का ज़मीन में चला जाता था, जिससे पानी का जलस्तर भी बना रहता था और पानी भी चला जाता था, जल्दी निकल जाता था। अभी पानी का जल स्तर वैसे ही नीचे जा रहा है और ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो
ये हमारी ही बनाई गई समस्या है और हम ही इससे परेशान हो रहे हैं, हम ही इससे जुलझ भी रहे हैं और जब तक हम ऐसे करते रहेंगे तो ऐसे ही परेशान रहते रहेंगे। तो आप अपने संसाधनों का, अपने दिमाग का सही उपयोग करें और सही तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि आगे आने वाला जो समय है वो हमारे लिए बेहतर हो पाए और हम इन छोटी छोटी समस्याओं में ना गिरे रहें, अपने लाइफ को, ज़िंदगी को बेहतर करें और अपनी बुद्धिमत्ता को भी और ज़्यादा सुधारें। बुद्धिमानी ही हर जगह काम नहीं आती, बुद्धिमत्ता जो है वो बुद्धिमानी से भी बड़ी चीज़ होती है जो कि किसी पढ़ाई लिखाई की मोहताज नहीं होती। एक अनपढ़ बेपढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझदार हो सकता है, बुद्धिमत्ता उसके अंदर हो सकती है अगर वो सही समझे तो। तो चलिए रखते हैं हमारे इस वीडियो को, अगर पसंद आए तो दूसरों तक शेयर करें, लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।